पोल खुली है, नोटों का पहाड़ सबने देखा, पूरे देश ने देखा नोटों का पहाड़। अब विपक्ष के मुंह पर ताला लग चुका है, कुछ नहीं बोलते बन रहा है। ये बड़ा बयान दिया गया, जिस तरीके से हमने देखा कि कानपुर में पीयूष जैन नाम के इत्र कारोबारी के पास से अकूत संपत्ति मिली, काली कमाई के जो धन कुबेर है उसके बारे में आज बड़ी बातें यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कही गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन निशाना साफ था किस तरीके से वो लोग जो सवाल उठा रहे थे, वो लोग जो ये कह रहे थे कि नोटबंदी के बाद देखिए अभी भी किस तरीके से काला धन मिल रहा है, तो क्या ये कामयाबी है सरकार की कि वो पूरी तरीके से काले धन पर लगाम नहीं लगा पाई, उन लोगों को जवाब दिया गया। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के से भर भर के नोट मिली है, नोट उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र, उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों तो ये देखिए, ये वो अकूत संपत्ति है जो कहां से आई, क्या एक सिंडिकेट का हिस्सा थे पीयूष जैन, तमाम वो सवाल खड़े हुए एक के बाद एक, जब वो छापेमारी सामने आई जीएसटी टीम की और उसी के बाद संपत्ति का वो अकूत खजाना नजर आता चला गया, जिसको देख करके हर कोई हैरान था, जिस पर आज प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पे कहा। मेरे सहयोगी वैभव इस वक्त